पहले तो देखने आपको ये कागज वारंटी कागज मिलेगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद ये मैंने माइक मंगवाया था बोया का, देखिए गाइस ये फर्जी माइक है, नकली माइक है। आप पूछेंगे कि मैंने कैसे पहचान लिया तुरंत देख के ये फर्जी माइक है, तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे क्यूआर कोड बार कोड आपको नहीं देखने को मिल जाता। ये तो केवल कंपनी की तरफ से लगाया जाता है, ये जो मेन कंपनी यहाँ क्यूआर कोड लगाती है जिसको स्कैन करके आपको पता चल जाएगा कि असली है या नकली। तो मैं आपको बताऊंगा कि नकली माइक कैसा दिखता है और इसके अंदर क्या चीजें होती हैं जिससे आप एक बार में झटके से ही पहचान जाएंगे कौन नकली है कि कौन असली। फर्जी माइक आपको कैसा देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं ये जो नीचे लड़की बनी है इसकी फोटो भी काफी धुंधली है, फिर से यहाँ पे क्यूआर कोड नहीं है। तो गैस देख सकते हैं यहाँ बोया जो ब्रांडिंग की गई है बिल्कुल लोकल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डॉट मिलती है जो लोकल की पहचान है। आप ये क्यूआर कोड देख के धोखा मत खाइएगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट है। फिर आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लोकल में यहाँ पे आपको फिर से डॉट दिख जाता है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट रहेगा यहाँ पे बहुत चीज़ें लिखी रहती हैं जो कि नहीं लिखी खाली हैं। देख सकते हैं गाइस आपको देखने पे लगेगा ये ओरिजिनल चीज़ है लेकिन ये पूरी तरह से डुप्लीकेट है। देख सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ डुप्लीकेट प्रोडक्ट के डब्बे कैसे होते हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से दिखा रहा हूँ कि आप धोखा ना खाएं। पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस ये रहा माइक का लेदर की पाउच है, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। तो ये डब्बा है, देखते हैं डब्बे में और क्या निकलता है। ये कुछ कागज देख सकते हैं गाइस, ये एकदम बेवकूफ बनाने के लिए हूबहू आपको मिलेगा। बस ये देखिए गाइस जो आप ये देख सकते हैं यहाँ एक कागज मिलता है वारंटी का, और जो ओरिजिनल माइक होगा उसमें आपको ऐसे ही दो कागज होंगे जो ऐसे बंधे होंगे, जैसे कि देख सकते हैं ऐसे होंगे। तो दो रीजन आपको मैंने बता दिया नकली के, मैं और भी आपको रीजन बताता हूँ। आप माइक खोलिए, पहले तो इस घटिया क्वालिटी की लेदर से ही आप समझ जाएंगे कि नकली माइक का लेदर है। गाइस देखने से तो ये आपको लगेगा कि हाँ एकदम ओरिजिनल है, यहाँ पे बोया की ब्रांडिंग है, फिर जब आप ये गोले को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये नकली है, क्योंकि यहाँ ब्रांडिंग तो बोया की बस एक ही बार है, जो ओरिजिनल रहता है उस पर एक दो बार और होती है। देखने में बिल्कुल आपको ये बोया की तरह ही लगेगा, इसके जैक में भी कुछ अंतर है जैसे कि देख सकते हैं, ये काफ़ी मतलब आपको ज़्यादा पॉलिश करता हुआ ये दिखेगा, गोल्डन पॉलिश काफ़ी चमक रहा है इसका। और फिर ये देखिए इसमें क्या मिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस ये देखिए, ये पाउच की क्वालिटी देखिए, पाउच है भी नहीं इसमें, रंग का पाउच भी नहीं है, देख सकते हैं। बैटरी भी कोई खास अच्छी क्वालिटी की नहीं लग रही है, ये कैमरा में या DSLR में जोड़ने के लिए है। ये पाउच बहुत ही आपको घटिया क्वालिटी का मिलता है, और ये देख सकते हैं क्लिप जो कि बहुत ही घटिया क्वालिटी की है, यानी ये पूरी तरह से स्कैम है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप जैसे फ्लिपकार्ट पे परचेस करने जाएंगे तो ये 600 रुपये का मिलेगा। मैं आपको सलाह देता हूँ फ्लिपकार्ट से परचेस ना करें, अगर आपको बोया का कोई भी प्रोडक्ट लेना है तो कम से कम ये 1900 के बीच में मिलता है, मुझे ये 600 का मिला था, मैं पहले ही शक कर चुका हूँ। फ्रेंड्स मैं दिखाता हूँ इसमें कैसे बैटरी लगाई जाती है, हालांकि ये फर्जी माइक है, ऐसे आपको बस घुमाना धीरे धीरे, देखिए घूमने लगा, देखिए ऐसे कुछ ये घूम के यहाँ पे देख सकते हैं, ये बैटरी लगाने की जगह है, ऐसे ऐसे आप यहाँ लगा सकते हैं, ऐसे लगा के फिर इसको मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसे रिटर्न करना है, ऐसे आप करके इसे बंद कर सकते हैं। आप अगर ऑफलाइन मार्केट में खरीद सकते हैं तो वहीं से खरीद लीजिए, क्योंकि वहाँ आप जाएंगे तो आप पूरी चीज़ एक एक चीज़ अच्छे से चेक कर सकेंगे, जितने ऑनलाइन में आप नहीं चेक, खरीदने के तुरंत बाद ही आप चेक कर लें कि यहाँ QR कोड है कि नहीं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे डाल के अच्छे से। तो गाइज यही था इस वीडियो में,
आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर ओरिजिनल माइक की भी अनबॉक्सिंग मिलेगी। साइड बाय साइड में कंपेयर करके दिखाऊंगा लोकल और ओरिजिनल में क्या फ़र्क हो। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ लिखा है सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना, देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी कोड, यहाँ पे क्लिक करना है। फिर जो आपका QR कोड या बार कोड के नीचे जो नंबर लिखे होंगे उसको यहाँ पे डाल के इंक्वायरी पे क्लिक करेंगे। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन यानी ओरिजिनल है तो कॉन्ग्रेचुलेसन लिख के आ जाएगा, अगर ओरिजिनल नहीं है तो फेक लिख के आ जाएगा।